मणिपुर विधानसभा चुनाव में दो चरणों में मतदान होना है, जिसके लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। मणिपुर में जीत की पताका लहराने के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की दूसरी सूची में 10 उम्मीदवारों के नाम हैं। कांग्रेस ने 22 जनवरी को मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें 40 नाम शामिल हैं। चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में किसको कहां से मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने इस लिस्ट में अपने 10 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इससे करीब एक हफ्ते पहले कांग्रेस ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की थी। पहली लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इवोबी सिंह और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एन लोकेन सिंह के नाम भी शामिल थे। इवोबी सिंह को उनकी वर्तमान सीट थाउवल से ही उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं लोकेन सिंह को नामबोल से मैदान में उतारा गया है। लोकेन सिंह नामबोल से ही विधायक है। मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा में दो चरणों में चुनाव होंगे। 27 फरवरी और 3 मार्च को वोटिंग होगी, जबकि 10 मार्च को नतीजे आएंगे। इस बार मणिपुर में जीत के लिए कांग्रेस ने 5 स्थानीय पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, जनता दल सेक्युलर और फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ मिलकर कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरी है। 60 सीटों वाली मणिपुर विधानसभा में 2017 में कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी। बीजेपी को 60 में से 21 सीटें मिली थी। चुनाव में नेशनल पीपल्स पार्टी और नगा पीपल्स फ्रंट को 4-4 और लोजपा टीएमसी को 1-1 सीट मिली थी। कांग्रेस 28 सीटों पर जीत के साथ मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और बहुमत से सिर्फ 3 सीट दूर थी। बावजूद इसके वो सत्ता से दूर रह गई थी। बीजेपी ने 21 सीटें जीतने के बाद नेशनल पीपल्स पार्टी के 4 विधायक, नगा पीपल्स फ्रंट के 4 विधायकों और बीजेपी के 1 और 2 अन्य विधायकों के सहयोग से मणिपुर में सरकार बनाई थी। राज्य में बीजेपी के एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बने थे। इस बार भी कांग्रेस राज्य में ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और कांग्रेस भी हर कदम सोच समझ कर रख रही है, जिससे वो मणिपुर में अपनी सरकार बना सके। डीवी लाइव की रिपोर्ट।